पिछली 5 तारीख को ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट आ जा रहा है, वो भी मैं खुद जाके लेके आया हूँ, वरना 6 7 दिन तक तो और लगने वाले थे आराम से। डिकैथलॉन वाला जो मैं आपको बोल रहा था कि होम वर्कआउट के लिए मेरे प्रोडक्ट मंगवाए हुए थे कुछ, तो वो आने थे, बट ऑर्डर किया मैंने उसको 5 तारीख को, तो बाई पोस्ट आए 9 तारीख से गंगानगर बैठे हैं, और 9 तारीख के बाद कल मेरे को मैसेज आता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपकी सिटी में आ चुका है। फोन किया मैंने आज पोस्ट मास्टर को, तो उसने कहा कि अभी 2 3 दिन लगेंगे, पोस्टमैन नहीं आया है, तो मैं खुद जाके अभी वहां से पिक करके लेके आया हूँ। बेसिकली यार इसमें ये 3 प्रोडक्ट है जिनके हद से करेंगे वर्कआउट। कार्डियो के लिए मैंने यहाँ पे स्किपिंग रोप मंगवाया है, और 2 रेजिस्टेंस बैंड है जिसमें ये ब्लू वाला 15 kg का है और येलो वाला जो है वो 25 kg वेट का रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो बेसिकली पहले स्टार्टिंग से हमें इसी को यूज करना पड़ेगा, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसमें थोड़ा ज्यादा यहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी नहीं मिलेगा हमें इतना, तो स्क्वाड वगैरह में और डेडलिफ्ट के अंदर हम इसको यूज करेंगे। और इसके अलावा ये जो 15 kg वाला है इससे करेंगे स्टार्टिंग, तो भाई इसकी जो क्वालिटी है ना टॉप नॉच है, बिल्कुल अच्छी है। एंड बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की, तो काफी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, यकीन मानिए काफी अच्छी क्वालिटी का है इसका। बेस्ट बाय लिंक भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप भी घर पे वर्कआउट करते हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और ये स्किपिंग रॉप अल्टीमेट टॉप नॉच, तो फटाफट से यार मैं वर्कआउट कर लेता हूँ और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसा रहता है इनके साथ। काफी इंटेंस वाला वर्कआउट हो गया, पसीना पसीन हो गया मैं, उसके बाद जस्ट मैं नहा लिया। और सही में बता रहा हूँ यार, जो एक्सपीरियंस है ना इनसे रेजिस्टेंस बैंड से वर्कआउट करके, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है। आप जब करेंगे ना इस चीज को तो पता चलेगा कि रेजिस्टेंस बैंड से करते हैं और एक हम जिम में फ्री वेट से करते हैं, तो दोनों में दिन रात का फर्क है। स्ट्रेचिंग तो बहुत अच्छे से होती है मसल्स की, और रही बात है ट्रेन करने की मसल्स को, तो काफी अच्छा पंप इसने प्रोवाइड करवाया। मैंने बेसिकली बाय ट्राई और चेस्ट का, तीनों मसल का कॉम्बिनेशन ट्राई किया और काफी अच्छे से। और यार ये स्किपिंग ना अभी मैं सीख रहा हूँ, इतना अच्छे से मेरे को आता नहीं है इस रोप से स्किपिंग करना, तो कार्डियो के लिए यार काफी अच्छी एक्सरसाइज है, जंपिंग भी हो जाती है और इससे साथ में ना रिदम बनाना भी सीख जाते हैं कि कैसे इसके साथ में जंप करना है, तो काफी अच्छा यार ये इक्विपमेंट है। तीनों का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरी मानिए खरीद लीजिए अगर आप घर पे वर्कआउट करते हैं तो, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और वैसे भी जिम के अंदर स्ट्रेचिंग करने से पहले अगर इन रेजिस्टेंस बैंड से स्ट्रेचिंग की जाए तो काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये सब तो हो गया वर्कआउट, अब बॉडी के अंदर फ्यूल भी चाहिए, इतना इसको तोड़ा है, तो ये अपना सप्लीमेंट स्टैक यहाँ पे पड़ा है, ये मैं वे प्रोटीन यूज करता हूँ, और ये ड्यूरिंग वर्कआउट में ये वाला यहाँ पे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज करता हूँ। तो भाई इनको अभी कंज्यूम करेंगे और फिर उसके बाद डाइट वगैरह लेते हैं। डाइट और एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अगर परफेक्टली बनाना आ जाए तो बॉडी बिल्डिंग है ना जो, वो एक चुटकी भर का खेल है। तो मेन खेल डाइट का और वर्कआउट का, दोनों का कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बॉडी ग्रो करती है। और यानी बहुत फैट गेन कर लिया, तो यार मैं सोच रहा हूँ कि कार्डियो स्टार्ट करूँ और इसे लूज करूँ एब्स वगैरह करके, तो 6 पैक भी बनाएंगे अपने, देखते हैं कब तक ये पॉसिबल हो पाता है।